Dear friends, please subscribe Motivational Guruji Mr. Sachindra. नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र के इस भाग में। माय डियर फ्रेंड्स, सुदर्शन चक्र के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह हमें लक्ष्य को निर्धारित करना होता है, किस तरह हमें गोल बनाना होता है, और सुदर्शन चक्र के दूसरे भाग में हमने देखा किस तरह हमें साहस दिखाना पड़ता है, किस तरह हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहस दिखाना। सुदर्शन चक्र के तीसरे भाग में आता है कि हमें आत्म सुधार करना होता है, जिसको हम सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब तक हम अपने आप को सेल्फ इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आत्म को सुधार नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे अंदर वो कौशल नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमने लक्ष्य तो बना लिया, लक्ष्य को जो है सेट तो कर लिया है, गोल सेटिंग तो कर ली है, लेकिन गोल सेटिंग करने के बाद, लक्ष्य को बनाने के बाद हमने साहस भी दिखा दिया है। अब हमने साहस भी दिखाया उसे पूरा करने के लिए, हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, साहसपूर्ण हम उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, द वे ऑफ वर्किंग जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें वो लक्ष्य मिल नहीं रहा है, उसमें जब तक हम सुधार नहीं लाएंगे, तब तक वो चीज़ हमें मिलेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम हमारा जो वे ऑफ वर्किंग अगर उस तरह होता था, तो अब तक हमें वो चीज़ें मिल चुकी होती थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें वो चीज़ चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको अपने मेंटल पावर को बनाना पड़ेगा, आप मेंटली इतने स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको मेंटल पावर बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपको डेली ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो डेली आपने की, जो करना बहुत ज़रूरी था। आपने रोज़ ऐसे दो या तीन चीज़ें लिखो अपने बुक में, रोज़ दो या तीन चीज़ लिखो, जैसे ही आपको शीट दिख रहा है यहाँ पे, इसी तरह रोज़ आप दो या तीन चीज़ें लिखो कि आज आपने अपने आज के दिन में आपने कौन सा ऐसा काम किया जो बहुत ज़रूरी था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो करने से आपके अंदर क्या कौशल आया, क्या इम्प्रूवमेंट आया, और आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये आप रोज़ लिखिए। जब आप रोज़ इसे लिखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज के दिन आपने कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट किया। सो इसी तरह आपको क्या करना है, मेंटल पावर आपका बढ़ेगा, ये करने से आपका मेंटल पावर बढ़ेगा। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके पूरे दिन भर में आपने जो भी काम किया, जो भी वर्क किया, जो भी आपके लिए आपके लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी आपने वर्कआउट हुआ है, उसमें उसका जो सीन हुआ है, जो आपके साथ आज जो घटनाएं घटी है, उससे आपने क्या सीखा, वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि आज हमने अपने लाइफ में आज के दिन से हमने क्या सीखा। जो हमने सीखा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि हमने जो सीखा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जो हमने सीखा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह आज के दिन में आपके साथ जो भी घटनाएं हुई, उस घटनाओं में आपने क्या सीखा, जो सीखा वो पॉजिटिव था कि वो नेगेटिव था। अगर वो पॉजिटिव था तो उसका नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह आपको आज दिन भर में आपने क्या सीखा, आज के दिन से आपने क्या सीखा, और आज के दिन से जो आपने सीखा, जो आज आपने गलतियां की वो आप कल दोबारा नहीं दोहराओगे, जो आज आपने गलतियां की उसे कल रिपीट नहीं करोगे, वो आपको यहां पे लिखना है कि आज मुझसे ये गलती हुई, कल मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम रोज एक नई गलती करते हैं, रोज एक नया गलती करके उसको अपने दिन में, अपने जीवन में लाते हैं, और वो गलतियां हम बार बार करते रहते हैं। मंडे की गलती ट्यूसडे को करते हैं, ट्यूसडे की वेनेसडे को करते हैं, वेनेसडे को थर्सडे को करते हैं, इस महीने की गलती अगले महीने करते हैं, बार बार लगातार ये गलतियां हम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस तरह आप अपने गलतियों का, आप अपने जो है जो आप गलतियां कर रहे हो उसका आप बनाइए कि आज मैंने कौन सी गलती की और उसका मैं सुधार नेक्स्ट टाइम में कैसे सुधार लाऊंगा। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना लॉग बनाइए, आप अपना लॉग बनाइए कि मैं जो कर रहा हूं, जो मैं वर्कआउट कर रहा हूं, उसमें मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, उसमें मेरी क्या गलतियां हुई जो मुझे सुधार करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट इतना पावरफुल है जो आपको बदल के रख देगा, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट आपके अंदर एक अद्भुत जान लाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी चीज है कि आपको अपने बारे में लोगों से फीडबैक लेना है, अपने बारे में लोगों से पूछना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उसके माहिर लोग हैं, जो उसके अच्छे काबिल लोग हैं, उनसे पूछना है, उनसे फीडबैक लेना है, जो आपको फीडबैक देंगे। तो ये फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर फीडबैक पॉजिटिव आता है तो वो आपको एनर्जी देगा,
अगर फीडबैक पॉजिटिव आता है वो आपको एनर्जी देगा, लेकिन अगर वो फीडबैक नेगेटिव आता है तो आपके आपको वो अंदर और बोलते ना जगजोरेगा, आपको अंदर और वो ताकत देगा कि अब उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर फीडबैक नेगेटिव आता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव में उसे कन्वर्ट करके आपको उसे उस पर्टिकुलर नेगेटिव फीडबैक से आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव नेचर आए। आप जो भी काम करते हो, जब भी आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो, वो टाइम पे आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उसको कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, रोज़ कुछ नया आपको करना पड़ेगा। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ नए नए चैलेंज लेने पड़ेंगे। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ नया नया लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करें, डेली अपने आप को एनालाइज करें, डेली जो कामें हमने करी हुई है, डेली जो मैंने वर्क किया है, जो मैंने टास्क किया है, उसको डेली एनालाइज करें, डेली लिखें। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप लिखते नहीं हो, प्लानिंग नहीं करते, तब तक इट्स पॉसिबल नहीं है कि आप उसे हासिल कर सकते हो। डेली आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आपको प्लान आउट करना पड़ेगा, आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रोज़ सुबह जल्दी उठ के वो सारे कामें करने पड़ेंगे, रोज़ सुबह अपने गोल्स के लिए रोज़ एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हो तो उस समय आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। जब आप रोज़ सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हो तो हमें याद करने में बहुत सुविधा होती है। जब रोज़ सुबह जल्दी उठ के हम जो भी काम करते हैं, हमें दिन बड़ा लगता है। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। रोज़ सुबह जल्दी उठने का काम, रोज़ सुबह इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने का काम, इस तरह रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने का काम आपको करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे आप सुदर्शन चक्र के तीसरे नियम को फॉलो करते जाओगे। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, वैसे वैसे आप इस सुदर्शन चक्र के तीसरे नियम को फॉलो करोगे, और जैसे जैसे आपको सुदर्शन चक्र का तीसरा नियम चालू हो जाएगा, वैसे वैसे आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अपने कौशल्य को बढ़ाओगे। थैंक यू वेरी मच तुम लोग। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब मोटिवेशनल गुरुजी मिस्टर सचिंद्रा and click on bell icon to see the latest video first on